हेलो फ्रेंड्स, विदिशास इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही बड़े, जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे आप कोई भी फेस्टिवल या पार्टी में बनाकर सर्व कर सकती हैं, खिला सकती हैं। हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो आइए चलिए, ये बहुत ही सॉफ्ट दही बड़े बनाने के सारे राज इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। तो चलिए बनाते हैं। आज हम बनाएंगे दही बड़े। तो हमें सबसे पहले बड़ा बनाएंगे, तो उसे दही के साथ सर्व करना भी दिखाएंगे बाद में। तो सबसे पहले हम बड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो हम इसे रात भर उड़द के दाल आधा के जी लिए हैं। इसे हमने धोकर अच्छे से साफ करके भिंगो के रख लिया था। इसे हम मिक्सर में फाइन पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद बड़ा बनाएंगे। तो देखिए, हमने उड़द के दाल का फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम फेंटेंगे। इसका मेन ही है, जितना फेंटेंगे उतना ही ये फ्लफी होगा और उतना ही आपका बड़ा सॉफ्ट होगा। और इसे तो इस तरह से फेंट लेते हैं। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। इसको इस तरह से एक ही तरफ अच्छे से फेंट लेना है। तो देखिए, इसे फेंटते हुए हमें 5 से 7 मिनट लगा। और इसका ट्रिक है, देख लीजिए, इस तरह से अगर आप डालती हैं, एक कटोरे में पानी ले लीजिए, देखिए कितना अच्छा आपका दही बड़ा बनकर सॉफ्ट बनेगा। इसके लिए इस तरह से फेंट लीजिए और इस तरह से देख लीजिए आपका सॉफ्ट माने फ्लफी हुआ है कि नहीं। और जिस तरह से आप तेल में डालिएगा, उसी तरह पानी में भी डालिएगा, तो इस तरह से ये ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। इसका मतलब ये फेटा गया है अच्छे से। ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, इससे दही बड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो इसमें हम डाल लेते हैं। हमने 1 बड़े चम्मच जीरा लिया है खड़ा, और 1 चम्मच बड़े चम्मच से ही जीरा पाउडर लिया है, और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए लिया है। तो इस सबको हम डाल देंगे। इसमें हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कोई यूज नहीं किए हैं, यूज नहीं भी करना चाहिए, दही बड़े में टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसको हम मिला लेते हैं। और 2 से 3 पिंच हींग लिए हैं, इसको भी इसी में डाल लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम दही भले बड़े बना रहे हैं तो उसमें भी दही में भी नमक मसाला रहेगा, तो उसके हिसाब से थोड़े से डालना है, ज़्यादा नहीं नमक डालना है। तो हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। देखिए, इतना नमक इस चम्मच से हमने डाल लिया है। इसको अब मिला लेंगे हम अच्छे से। हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, और हम रिफाइंड ऑयल में ही इसे तल रहे हैं। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने अच्छे से हाथ धो लिया था ये सब करने के लिए। अच्छे से हाथ धो लीजिए उसके बाद ही, क्योंकि ये हाथ से ही करना होता है, कलछी या कोई और चीज़ से फेंटना नहीं रहता है। देखिए, हमारा अच्छे से सब कुछ हम मिक्स कर लिए हैं। और हम अब इसे कढ़ाई में हमने रिफाइन ऑयल डाल दिया है, तलना है बड़ा, इसलिए हमने तेल थोड़ा ज़्यादा ही यूज कर रहे हैं। तो अब चलिए हम एक एक करके बड़ा बना लेते हैं। तो देखिए, हमने बड़े डाल दिए हैं, और इस तरह से थोड़ा 2 सेकंड हो जाए, उसके बाद ही इसको आप हिलाइए। देखिए कितना अच्छा बन रहे हैं।
अब फ्लेम हमने अभी हाई रखा है और इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मीडियम पर कर लीजिए। उसके बाद इसे तलिए। इसको आप अगर अच्छे से फेंट लेती हैं तो फिर कोई बात नहीं, अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा हाई फ्लेम पर भी। इसको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे, तल लेंगे। सॉरी, इसी तरह से हम सारे बड़े तल लेंगे अपना। तो देखिए इस तरह से आप बड़े को तल लीजिए और इस तरह से हम देखिए कितना फूला फूला बना है बड़ा, देखिए थोड़ा ठंडा होता है तो दिखाते हैं आपको, बहुत गर्म है। देखिए एकदम एकदम सॉफ्ट बना है, देखिए तो इस तरह से हम सारे बड़े को तल लेंगे। तो देखिए हमने सारे बड़े को तल लिया है, देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। इस तरह से दबाइएगा, देखिए कितना अच्छा ये अपने आप फूल जाएगा। और इसे देखिए इस तरह से कितना जाली है, देखिए बहुत सॉफ्ट बना है बड़े। और इसे हम हल्का सा गर्म पानी में बड़े को डाल देते हैं। एक पिंच हींग डालेंगे। तो देखिए इसमें एक पिंच हमने हल्का गर्म पानी लिया है, आप चाहें तो ठंडा थोड़ा गर्म मिलाकर ले सकती हैं। तो एक पिंच हींग डाल देंगे इसमें, इसमें मिला लीजिए। और इसमें हम बड़े को डाल देंगे आधे घंटे के लिए और उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो जितना आपको डालना हो उतना डाल सकती हैं बड़ा सॉफ्ट करने के लिए, और आधे घंटे बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो देखिए दही बड़े को हमने पानी में डालकर आधा घंटा हो गया है डाले हुए, तो इसको हम अब सर्व करेंगे। तो इस तरह से हम इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया है, ये बड़ा है तला हुआ, ऐसे हमने पानी में डालकर रखा था, ये और ही सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम सर्व करके दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा हथेली के सहारे से पानी को निचोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें हम आपका प्लेट अगर बड़ा है तो चार ले सकती हैं, हमने इसमें तीन ही डाला है। और दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था इस तरह से, अब इस पर हम दही डालेंगे पहले। और हमने इस पर ऊपर से डालने के लिए लिया है लाल मिर्च पाउडर है, जीरा भुना पाउडर है और काला नमक है, तो डाल देते हैं पहले जीरा पाउडर। आप अगर चाहें तो ये दही में भी डालकर रख सकती हैं मसाला, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर चाहें तो, अगर आपको चटनी अच्छा लगता है तो आप इमली का चटनी बनाकर या हरी चटनी धनिया पत्ते की डाल सकती हैं। सॉस भी डाल, कितना लोग पसंद करता है सॉस भी ऊपर से डालकर सर्व कर सकती हैं। तो हमारा देखिए दही बड़ा तैयार हो गया सर्व करने के लिए। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ आप लोगों से।